दोस्तों, आपने कई सारी ऊंची इमारतों को देखा होगा, लेकिन आपने शायद ऐसी इमारतों को देखा हो जिनके नीचे के फ्लोर पर बारिश हो रही होती है तो वहीं टॉप फ्लोर पर धूप निकली होती है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए टॉप 10 हाईएस्ट बिल्डिंग की लिस्ट लेकर आया हूँ, जिन्हें देखने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि आखिर इंसान इतनी ऊंची इमारतों को बनाता कैसे है। तो चलिए, बिना किसी देर किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, जिफिंग टावर। जिफिंग टावर चीन के नानजिंग शहर में बना हुआ है। इस बिल्डिंग की ऊंचाई 1413 फीट है। इस बिल्डिंग को बनाने का काम मई 2004 में शुरू किया गया था और जनवरी 2010 में यह बिल्डिंग पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई थी। 89 मंजिला इमारत में एक होटल और कई सारे रेस्टोरेंट मौजूद है। इस मंजिल के टॉप फ्लोर पर एक हॉस्पिटल भी मौजूद है। जिफिंग टावर वर्तमान में नानजिंग और जियांगसु प्रांत में सबसे ऊंची इमारत है। यह इमारत चीन में 11वीं सबसे ऊंची और दुनिया की 20वीं सबसे ऊंची इमारतों में शामिल है। इस इमारत को बनाने में करीब $5 अरब का खर्च आया था। नंबर 9, पेट्रोनेस टावर्स। पेट्रोनेस टावर्स कुआलमपुर मलेशिया में बने हुए हैं। 1998 से लेकर 2004 तक यह दुनिया की सबसे ऊंची इमारत थी। इसको बनाने का काम 1 मार्च 1993 में शुरू किया गया था और 1 मार्च 1996 को यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो गए थे। इस बिल्डिंग को लोगों के लिए 31 अगस्त 1999 में ओपन कर दिया गया था। इस टावर की ऊंचाई 1483 फीट है। इसको बनाने में करीब $1.6 बिलियन का खर्च आया था। पेट्रोनेस टावर दुनिया के सबसे ऊंचे टावर हैं। इस टावर के नीचे 17 एकड़ में एक खूबसूरत पार्क भी बनाया गया है। इसके अलावा इस बिल्डिंग के अंदर आर्ट गैलरी, अंडर वाटर एक्वेरियम और साइंस सेंटर और 300 स्टोरों के साथ सूर्या के एल सी वो मलेशिया के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल से जाना जाता है। नंबर 8, इंटरनेशनल कॉमर्स सेंटर। यह इमारत चीन के हांगकांग में मौजूद है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में शामिल है। 108 मंजिला इस इमारत की ऊंचाई 1587 फीट है। इस बिल्डिंग को बनाने का काम साल 2002 में शुरू किया गया था और साल 2010 में यह बिल्डिंग पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई थी। इस पूरी बिल्डिंग में केवल एक होटल मौजूद है और इस पूरी बिल्डिंग का हिस्सा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक केंद्र है। इस बिल्डिंग को लोगों के लिए साल 2011 में ओपन कर दिया गया था। नंबर 7, संघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर। यह इमारत चीन के संघाई शहर में मौजूद है। इस बिल्डिंग को मोरी बिल्डिंग कंपनी द्वारा बनाया गया था। इस इमारत की ऊंचाई 1621 फीट है। 27 अगस्त 2007 को इसे लोगों के लिए ओपन कर दिया गया था। इस बिल्डिंग को बनाने का काम 27 अगस्त 1997 में शुरू किया गया था और साल 2007 में यह बिल्डिंग पूरी तरह से बनकर तैयार हुई थी। इस बिल्डिंग को बनाने में $1.20 बिलियन का खर्च आया था। इस बिल्डिंग के ऊपर से अवलोकन डेक जमीनी दृश्य प्रस्तुत करता है, जिसके चलते इस बिल्डिंग की सराहना की गई थी। नंबर 6, ताइपी 101। यह इमारत ताइवान में मौजूद है। 101 मंजिला इस इमारत की ऊंचाई 1667 फीट है। इसको बनाने का काम 31 जुलाई 1999 में शुरू किया गया था और 14 नवंबर 2004 में यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई थी। 31 मार्च 2002 में ताइवान में एक भूकंप आया, इसने छत पर निर्माण क्रेन को नष्ट कर दिया और वह क्रेन रोड पर जाकर गिरी, जिससे कई वाहन कुचल गए और 5 लोगों की मौत हो गई थी। इस इमारत की मालिक ताइपे सरकार है। इस इमारत को बनाने में करीब $1.89 बिलियन का खर्च आया था। तो दोस्तों, यह थी दुनिया की टॉप 10 हाईएस्ट बिल्डिंग। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट जरूर करें, और अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक बड़ी आसानी से पहुंच सके।